बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मटर गोश्त की रेसिपी दूंगी। ये हमारे 1 किलो मटर हैं और 4 अदद टमाटर हैं, 3 अदद छोटे प्याज हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। और ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 चम्मच सुरख मिर्च है, 1.5 चम्मच हमारा धनिया पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक है और 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा हड्डी वाला गोश्त है। ये हमने साफ़ सुथरा कर लिया पानी से धो धा के और ये हम अपने कुकर में डाल रहे हैं। ये देखें हमारा चला गया सारा गोश्त कुकर के अंदर। आसान रेसिपी जल्दी जल्दी से बन जाए ताकि, और ये हमने डाल दिया कुकर के अंदर गोश्त और हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे और ये हमारा चला गया 3 पाव पानी। गोश्त हमारा 10 से 15 मिनट में कुकर में आराम से गल जाएगा। फ्लेम हमने ऑन कर लिया था। ये देखें अब इसमें चले गए मसाले सारे। और जी इसमें हम अब डालेंगे प्याज और टमाटर। ये देखें ये चले गए इस तरह। और जी अगर आपको ज़्यादा शोरबा बनाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्याज कर लें। जितना प्याज होता है ना तो शोरबा गाढ़ा बनता है। जितना ज़्यादा नहीं बनाना तो मैंने छोटे छोटे 3 प्याज डाले हैं। आप 2 दरमियाने साइज़ के भी डाल सकते हैं, 1 बड़ा भी डाल सकते हैं। और ये हमारा चला गया भर के सन वाला चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल। ये देखिए इस तरह से ये चला गया हमारा ऑयल। ये देखें ये 2 चम्मच चले गए हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 गट्ठी लहसुन की थी, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का था, जिंजर गार्लिक। और ये जी हम अब इसको लगा देंगे 15 मिनट के लिए, जब सीटी बजती है उसके बाद फिर हम टाइम नोट करते हैं। ये देखें मेरी बेटी कुछ काम कर रही थी तो फिर मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से खोला है। मेरी बेटी मेरी वीडियो बनाती है। तो ये देखें अब हमारा गोश्त तैयार हो चुका है, लेकिन अभी प्याज और टमाटर थोड़े थोड़े साबुत हैं, लेकिन इससे कि हम अंदर मटर भी डाल के दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। भून के मटर तो आपको पता है 5-7 मिनट में गल जाते हैं। ये देखें इस तरह से इसे थोड़ा सा भूनेंगे हम, भून के फ्लेम हल्का कर देंगे और इसे ढक देंगे हम, ताकि मटर भी हमारे गल जाएं और प्याज भी और टमाटर भी। और ये हमने 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी, इसे मिक्स करेंगे अब हम। मिक्स करके तो इसे फिर ढक देंगे, लेकिन शॉर्ट वीडियो आपको मैं दिखाती हूँ, हमने थोड़ा देर से भूना भी था। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। आप चाहें तो ना डालें, लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी हो तो अच्छा है। चूल्हा कर देंगे बंद, हमारा अच्छा सा पानी डाल के उबल चुका था गोश्त, पक चुका था। और हम आपको अब डिश आउट करके दिखाएंगे। ये हमारा चला गया बॉल में सालन, माशाल्लाह अच्छे से मटर भी गल गए हैं, गोश्त भी गल गया हमारा। ये देखें ये देखें इस तरह से माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। ये देखें माशाल्लाह से लाल सुरख हमारा सालन तैयार है। और ये देखें गर्मा गर्म हम ऊपर से डाल दी कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये देखें माशाल्लाह से हमारा सालन।